देख छोरी, मैं ममता को अच्छी तरीके से जानू हूँ। वो बहुत ही जिद्दी छोरी है। एक बार उसने मन में ठान ली कि इस घर में ना रहेगी तो मतलब ना रहेगी। उसे इस घर में रोकने के लिए मैंने शादी वाली तरकीब सोची है। दादी, तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं, मेरा मतलब है, घर में आप सब बड़ों के होते हुए दीदी को मैं कैसे? ममता तेरी हर बात मानती है, तुझे नाना कहेगी। लेकिन दादी, अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जब तक तू ममता से हाँ ना कहलवा देती, तू इस घर के बाहर जावेगी नहीं। हे नागोमी देव, ये कैसा धर्म संकट है? मुझे नागमनी पहुंचाने जाना है और दादी ने मुझे यहाँ। ए छोरी, क्या सोच रही है? अब तू ही है जो प्रबल ममता की शादी बचा सकती है। बच्चा? अरे दादी, बच्चा ना भी होगा ना तो भी कोई टेंशन ना है। अपना अप्पू 10 बच्चों के बराबर है। अरे माँ, तू एक काम कर, ममता को जाने दे, वो इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अरे खड़क अंकल, ऐसा मत बोलिए। इनका रिश्ता सलामत था और हमेशा सलामत रहेगा। दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी ममता दीदी को मनाने की। बस तूने हाँ कर दी, मैंने तसल्ली हो गई। ममता दीदी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। किसका? प्रबल भैया है ना, मुझे उस लफंगे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। वो लफंगे नहीं है भाभी। भाभी? मैं किसी की भाभी वाभी नहीं हूँ। इनका मतलब है होने वाली भाभी। प्रबल भैया है ना, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी? और उससे कभी नहीं। क्यों ममता दीदी? प्रबल भैया बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शरीफ है और औरतों की बहुत इज्जत भी करते हैं। वो मैंने देख लिया है। अरे दीदी, मैंने कहा ना, वो सब तो भूली बातें याद दिलाने के लिए किया। मेरा यकीन मानिए, प्यार आपसे बहुत करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। खड़े क्या हो? मदद करने आए हो ना? हाँ। तो कुछ बोलो ना। देखिए, आपके लिए प्रबल भैया से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो परख के देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं कुछ सवालों के जवाब दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। कितने पढ़े लिखे हैं आपके भाई? गांव के स्कूल में थी, कक्षाएं नहीं है, इतनी प्रबल भैया ने पास की है। अच्छा, करते क्या है? पहलवानी करते हैं। पूरे रोहतक में उनकी बराबरी करने वाला पहलवान है ही नहीं। कोई बुरी आदत? नहीं नहीं नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। नहीं कैसे? एक बुरी आदत तो है ना। क्या? सामने वाला करे या ना करे, लेकिन वो सबसे प्यार करते हैं। ये हमारे खून में है। इस काम के लिए वो करे? हाँ दीदी। कोई पसंद ना पसंद? क्या फर्क पड़ता है, एक बार शादी हो जाने दो, सब आपके पसंद से ही चलेगा। हाँ दीदी, लड़का बहुत अच्छा है, घर और घर के लोग वो भी बहुत अच्छे हैं, ना करने की कोई वजह ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, है ना दीदी? तो रिश्ता पक्का? नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। क्यों? लड़का अच्छा है पर भरोसे के लायक नहीं है। क्यों दीदी? आज ताऊ में आकर मेरे हाथ गोद दिए, शादी के बाद मेरा पूरा शरीर गोद देगा। मेरा फैसला अटल है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे तो लगा था ममता दीदी मान जाएंगी, लेकिन पता नहीं वो ऐ वक्त। अरे इच्छा, तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, ऐसी होती हो तुम। मैं नारियल को बिना फोड़े बोल सकता हूँ उसमें कितना पानी है। मैं भैंस को देखकर बोल सकता हूँ वो कितना दूध देगी। मुर्गी को देखकर बोल सकता हूँ वो अंडा कब देगी। लेकिन किसी लड़की का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल जानना नामुमकिन, नामुमकिन। बस बस बब्बल जी, ज्यादा नौटंकी मत करिए। नौटंकी? नौटंकी मैंने ही तुम लोग करते हो यार।
चेहरे में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, और जुबान पे कुछ और ही होता है। अरे जो दिल में है वो बोल दो ना, तुम भी खुश, सामने वाला भी खुश। आपको कैसे पता हमारे दिल में क्या होता है? लड़का हूं मैं इच्छा, किताबें पढ़ने से पहले आंखें पढ़ना सीखा है मैंने। इतना क्यों शर्मा रही हो, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बब्बल जी मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। मुझसे भी जरूरी काम है तुम्हारी लाइफ में? हाँ। इच्छा तुम्हें जितना छुपाना है छुपा, लेकिन तुम्हारी आंखें ना बहुत कुछ कह जाती है। उस खड़क ने बीच में आके मेरे पूरे इरादों पर पानी फेर दिया। अगर वो बीच में नहीं आया होता तब तक मैं नागिस्तान पहुंच गई। ज्यादा देर रुकने में खतरा है, किसी ने इस मनी को देख लिया या किसी गलत हाथ में पड़ गया तो? नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस मनी को नागिस्तान पहुंचाना पड़ेगा। मैं जिम्मेदारी को साथ लेकर यहाँ नहीं रुक सकती। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बुलंदी पर है। मन में मुराद आई नहीं की पूरी हो गई। अब तो विशैली के सिर्फ दो लक्ष्य, एक नागिस्तान का पता और दूसरा मौका मिलते ही इच्छा का खात्मा। नागिस्तान यही कहीं आसपास। आगे बढ़ती रहो इच्छा, एक बार नागिस्तान का द्वार मेरे लिए खुल जाए, वहां अंदर पहुंच के मैं ऐसी तबाही मचाऊंगी कि तुम सबके होश उड़ा दूं। कौन हो तुम और किस देश से आई हो? जहां तक मेरा अभ्यास है तुम विशैलगढ़ की रहने वाली हो और नागिस्तान की खोज में निकली हो। लेकिन विशैलगढ़ के नाग ना कभी नागिस्तान पहुंच पाए हैं और ना कभी पहुंच पाएंगे। तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। अपनी अपनी दुनिया में सब खुशी से रहे, इसी में सबकी भलाई है। आज तुमने इच्छा को गुमराह किया है। तुम्हारा इरादा यकीनन नेक नहीं था, फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं क्योंकि हम शांति प्रिय नाग हैं और मारकाट में विश्वास नहीं करते हैं। जाओ यहां से। लेकिन इस एहसान को हमेशा याद रखना। हाँ, एक बात और, किसी भी गुनाह के लिए माफी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इसीलिए आइंदा ये गलती मत करना। जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं।
मुखिया जी सावधान। देखो भागने न पाए, पकड़ो उसे। कहाँ गई वो? एक पल में गायब हो गई।